हेलो मैम। हाय, कैसे हैं? मैं बढ़िया, बैठिए प्लीज। ओह सॉरी मैम, मैंने अभी क्या है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं अभी आज मैंने ब्लॉग बनाने का सोचा है। अच्छा। तो अभी मैं यहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा, अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि ऊपर जाके देखते हैं क्या है। okay. क्या इंस्टीट्यूट है, क्या है, क्या कंपनी है, उसके बारे में। तो मैम अपने कंपनी के बारे में क्या थोड़ा बता सकते हैं? कंपनी का नेम आपने आई थिंक बाहर बोर्ड में देखा होगा, तो कंपनी का नाम है पेडेस्टल टेक्नोवर्ल्ड। ये एक इंडिया लीडिंग एडटेक कंपनी है जिसमें हमारा मेन एम या मेन फोकस आप कहिए स्टूडेंट और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है वो उसको रिड्यूस करना है। क्योंकि आपको पता है जैसे आजकल जो इंडस्ट्री का जो गैप, इंडस्ट्री को रिलेवेंट कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो हम लोग कैंडिडेट्स को टेक की नॉलेज, टेक से रिलेटेड सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसमें मैम जैसे कौन से स्टूडेंट आप तक पहुंचे? देखिए हमारे पास टेक से रिलेटेड है, एडटेक है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो टेक से रिलेटेड जिन बच्चों ने बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो मोस्टली अगर हम उनको थोड़ा सा टेक का नॉलेज, टेक की और कुछ प्रैक्टिस हम उन्हें करवा के बेटर रिजल्ट हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड स्टार्टिंग डिजिटल मार्केटिंग भी है हमारे पास कोर्सेस। डिजिटल मार्केटिंग में देखिए ऐसा नहीं कि टैक्स रिलेटेड ही स्टूडेंट्स है, कोई भी इसको कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग को, जैसे कोई आर्ट का स्टूडेंट हो वो भी कर सकता है। हाँ, नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन है, बीए है, बीटेक है, बीएससी है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, इवन हाउसवाइफ भी डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं उसको मतलब सीख के या आगे प्रैक्टिस में ला के अच्छा अर्न कर सकती हैं। इन कोर्स से क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट्स देखिए आजकल अगर मैं बात करूँ अर्निंग की, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की आपको बात करती हूँ अर्निंग की, तो अर्निंग का देखिए हर कोई ये चाहता है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे उसको एक्स्ट्रा अर्न भी हो। तो अगर वो डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, अपने प्रोडक्ट को कैसे सब लोगों के सामने ला सकता है, उसको कितने बेटर ढंग से सेल कर सकता है, तो उसके लिए ये वो रहता है। अगर आप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो देन उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही प्रॉफिट है क्योंकि स्टूडेंट्स को टेक का रिलेटेड कोर्सेज का एक्सपीरियंस हो जाता है, उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं। मतलब जिसको जॉब ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको हेल्प करते हैं। हाँ देखिए, जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है वो भी यहाँ से, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपने आज से जो आज का टाइमिंग है वहाँ पे ये जो किताबों में आपको ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान अगर हम व्यवहारिक जीवन में लाएंगे तो वो नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ हमको हमेशा समय के साथ बदलना पड़ता है। तो आजकल जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अगर आप उसको एड ऑन करते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे फ्यूचर में आगे। तो यहाँ पे मतलब जैसे आपसे तो ये इंट्रैक्शन हो गया है। हाँ। इसके बाद में अगर हम जैसे सपोज करो मैं ही एक स्टूडेंट हूँ, तो आपके बारे में पता चल गया, आपकी कंपनी के बारे में पता चल गया, देन उसके बारे में क्या करना? देखिए अगर आप और अगर कोर्सेज जानना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि हम ये कोर्स क्यों करें जिससे हमें आगे फ्यूचर में प्रॉफिट हो और हम किस तरीके की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर एग्जीक्यूटिव है हमारे, वो आपको प्रॉपर हेल्प कर पाएंगे इसके अंदर। तो आप उनसे मिलिए, उनसे ब्रीफ नॉलेज ले लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं एचआर के पास। हेलो मैम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू मैम। मैम अभी पेडेस्टल के जो मैम हैं, हाँ, पूनम मैम, उनसे मैं अभी मिलके आया था। डायरेक्टर हैं शायद वो? हाँ, शी इज एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, एमडी हैं वो? यस। ओके, तो उनसे बातचीत की, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से पता लगी है अबाउट पेडेस्टल। हाँ। ओके, तो इसमें एक चीज़ मुझे पता लगी कि जो स्टूडेंट को अपन काउंसिल करते हैं उनको अपन जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप एचआर हैं यहाँ से, तो क्या आप इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं रिगार्डिंग पेडेस्टल का जो वर्किंग कल्चर है? फ्रॉम स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो मैं प्रियंका, माई सेल्फ प्रियंका मेहरा, मैं यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट देखती हूँ जयपुर सेंटर का, मैनेजिंग पूरा। काउंसलिंग रहता है कि जैसे कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनकी काउंसलिंग हम लोग इनिशियली इसलिए करते हैं क्योंकि देखो आज के टाइम पे ग्रेजुएशन डिग्रीज वगैरह तो सब कुछ मिल रही है बट नॉलेज बहुत लैक कर रहा है। तो जो नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज के इशू है। एग्जैक्टली, तो जो स्किल्स जो डेवलप करवाते हैं ना उसके लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम्स चलवाते हैं, जैसे हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, पाइथन से रिलेटेड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया। तो इन सारी चीज़ों के स्किल्स हम कैंडिडेट्स को देते हैं एंड देन वी प्लेस देम इन आवर 300 के लिए। एग्जैक्टली, वी हैव 300 मोर देन 300 से ज़्यादा हमारी एमएनसीज कंपनीज है जिनसे हम लोग टाइप रखते हैं। हम लोग या एक, तो एक सेकंड में रोकना चाहूँगा। sure. अपन जो जैसे आजकल जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले चीज़ लिंक्डइन ही लोगों को दिखता है। तो उसके बारे में क्या आपका मानना है? LinkedIn इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू द सर्वे अगर बात करें अपन तो एक मिनट में 6 एटलीस्ट वैकेंसीज निकालते हैं।
अच्छा लोगों को वैकेंसीज निकालता है, प्रोवाइड करवाता है, जॉब दिलवाता है। Okay. हाँ, वैकेंसी निकालते हैं बट उसके अकॉर्डिंग ना वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती है। लैग कहाँ होता है, स्किल्स नहीं होती है। Okay. तो वो पूरी चीजें घूम फिर के आ जाती है टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। तो वो टेक्निकल नॉलेज ही हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद हम प्लेसमेंट्स करवाते हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे अपन प्लेसमेंट करवाते हैं? गुड क्वेश्चन। वैसे एक्चुअली हमने ये ब्रोशर क्रिएट करा है फॉर द स्टूडेंट्स इनिशियली जो भी यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो वी प्रोवाइड द दिस ब्रोशर। तो इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग। ओके, तो उसकी अगर मैं बात करूँ, वी हैव प्राउडली पार्टनर विद गूगल पार्टनर्स, मिंत्रा, एसेंशियल, फ्लिपकार्ट एंड वी हैव द बैंकिंग पार्टनर एज वेल, ICICI बैंक। ओके, इसके अलावा भी इट्स नॉट लाइक दैट कि ब्रोशर में सब कुछ मेंशन कर दे, इट्स लाइक वी हैव मोर देन 250 कंपनीज MNCs टाई अप, तो ये सब इट्स नॉट पॉसिबल। बट जो भी हमारे कोर्स के डिटेल्स हैं, हम कोर्सेज के बाद सर्टिफिकेशंस भी देते हैं। Okay. क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कैंडिडेट्स से पूछा जाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यूज ना, हम लोग ट्रेनिंग तो दे दी उन्होंने बट कहीं कहीं क्या होता है कि रिज्यूम की वजह से वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, तो एटलीस्ट रिज्यूम में उनका सर्टिफिकेशन ऐड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वी प्रोवाइड जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं उससे रिलेवेंट हमारे 5 to 6 सर्टिफिकेशंस होते हैं, जो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्सेज हम लोग उनको यहीं से पेडेस्टल से ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि वो अपने रिज्यूम में ऐड कर सके। इफ़ कंपनी आस ड्यूरिंग द इंटरव्यू के वेयर इज द हार्ड कॉपी, तो वी ही और शी कैन इजीली प्रोवाइड। और हमारी जो वेबसाइट है पेडेस्टल की, उसमें लिंक भी है, तो वो कभी भी कहीं से भी उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स को। जो ऑनलाइन ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर वो अगर आपका यहाँ से एडमिशन उसने लिया है, उसके लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड अगर है, तो वो कहीं पे भी बैठ के उसको डाउनलोड करके और सबमिट कर सकता है। हाँ, सबमिट भी कर सकता है। एंड अगर कंपनी कभी, क्योंकि देखो इट्स नॉट लाइक दैट हर कंपनी में इंटरव्यू बहुत इजी हो, इजी गोइंग नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रगल्स होता है। तो इट्स लाइक अगर कंपनी फेस टू फेस इंटरव्यू में बोल रही है कि शो मी योर सर्टिफिकेट, तो इट्स कन्वीनियंट फॉर देम ऑल्सो, स्टूडेंट्स के लिए भी, कि वो ऑनलाइन दिखा दें, ये चीज़ है। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। आज पूरा दिन पेडेस्टल में जा रहे हैं मेरा। जी सर। यहाँ पे क्या रोल है सर आपका पेडेस्टल में? मेरा नाम है गौरव तिवारी। ओके। और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट हेड हूँ। अच्छा। एक्चुअली मैं यहाँ पर, जैसा आपको बताया होगा, दिन भर में आपने विजिट किया है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं यहाँ पर। तो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो मैं उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम का हेड हूँ। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो ये है कि वी आर प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट एंड वी आर चार्जिंग फॉर देट आफ्टर द प्लेसमेंट। द मैं जो हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य वो है कि बच्चे को प्लेसमेंट के बाद पे करना है, पे आफ्टर प्लेसमेंट। ओके। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग बहुत सारे, पहले नौकरी पाओ, पैसा बाद में चुकाओ। बिल्कुल, पहले आप नौकरी पाओ, नौकरी पाने के बाद में आप सैलरी अपनी अर्निंग करने लग जाओ। ओके। तब आप अपनी इस प्रोग्राम की फीस जमा करो। ये इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी खासियत है। और इस प्रोग्राम के अंदर जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आपके माध्यम से, और भी लोगों को ये जानकारी पता चले। इस प्रोग्राम में हम लोग जो कंपनियाँ हैं जिनके साथ हम लोग अपना टाइप करके रखते हैं, MNCs होती हैं, अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती है, उनके साथ हम लोग टाइप करके रखते हैं। फिर उन कंपनियों में जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कांटेक्ट करते हैं। कंपनियाँ कौन सी, फॉर एग्जांपल? फर्स्ट लीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक करंटली अभी कंपनी है, जहाँ पर की वैकेंसी निकली हुई है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की, एग्जीक्यूटिव्स की, और भी ऐसी हमारी अल्ट्राटेक सीमेंट्स है और बहुत सारी कंपनियाँ हम लोग के पास में, जो हम लोग के एम्प्लॉयर्स जो ग्रुप है हमारा 300+ का ग्रुप है, उसके अंदर अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और भी ऐसी कंपनियाँ हैं आपको, गूगल का भी कुछ है। हाँ, गूगल से भी हम लोग के उसमें टाइप है। तो जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ से हम लोगों के पास में मेल आता है, कॉल आता है, फिर हम कंपनी के साथ मिल करके जो उनके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करते हैं और कंपनी को बताते हैं कि ये सिलेबस, फिर उनसे अप्रूवल मिलने के बाद कि हाँ ये सिलेबस सही रहेगा, वो सिलेबस फाइनल करके फिर हम स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को हम लोग बताते हैं कि इस कंपनी में वैकेंसी है, इस पोस्ट के लिए है, और उनको पहले से ही ये बताया जाता है कि इस पैकेज पर मिनिमम आपको रखा जाएगा। ओके। उसके बाद फिर हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसकी एक छोटी सी प्रोसेस है, इस प्रोग्राम को अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, 1000 रुपये से ओनली वो रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टेस्ट में जो स्टूडेंट्स हमारे अपीयर होते हैं
उसके बाद में हम लोग उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। इंटरव्यू में कंपनी का ही एचआर पर्सन इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ओके। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट को हम लोग कहीं अलग उसमें रख रहे हैं, पूरा जो सिस्टम चलता है वो कंपनी के साथ मिलकर चलता है। मैं एक आपको बीच में मैं जो समझ पा रहा हूँ वो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि उसका जॉब कौन सी कंपनी में उसको लगनी है जी, वहाँ से लेकर के जिस दिन आपके पास सीवी रेडी होता है वहाँ से लेकर के उसकी सैलरी आने तक का सारा प्रोसेस आप अपने टेक केयर में रखते हैं। बिल्कुल, हम डे फर्स्ट जिस दिन स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसी दिन उसको हम हर चीज़ डिस्क्लोज कर देते हैं। ये चीज़ ट्रांसपेरेंट है हमारी तरफ से। इसके बाद जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा था कि एक रिटर्न टेस्ट हम लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओके। टेस्ट के बाद में हम कंपनी ही हमारी जो जिसके साथ जिस कंपनी में हम स्टूडेंट को भेज रहे हैं वो आकर के उसका इंटरव्यू लेती है। ओके। इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के बाद में फिर उसका एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो अलग अलग कंपनियों के लिए हम लोग के ये अलग अलग होता है। अभी एक कंपनी का जो हमारा चल रहा है फर्स्ट लिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, तो इस कंपनी में ये 10 महीने का प्रोग्राम है। ओके। इसमें हम लोग पहले 4 मंथ में स्टूडेंट को हमारे सेंटर पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जो मैंने आपको बताया था सिलेबस हम लोग तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो जिस रोल पर उसको जाना है वहाँ के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट वहाँ की है वो ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। 4 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट को फिर रियल टाइम इंडस्ट्री ट्रेनिंग के लिए कंपनी में भेजा जाता है। उस कंपनी में 6 महीने की ट्रेनिंग उसकी वहाँ होती है। अच्छा। उस 6 महीने की ट्रेनिंग में उसको स्टाइपेंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके। जो कि 10 से 12 हज़ार तक वेरी करता है और अलग अलग कंपनियों में ये वेरी करता है। अलग अलग कंपनी मतलब 4 महीने बाद उसकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक उसने जो जमा कराया है वो अपनी खुद की जेब से वो 1,000 रुपये जमा कराया था जो एप्लीकेशन फीस के फॉर्म में उसने जमा कराया था। रिमेनिंग अमाउंट प्रोग्राम की फीस जो भी होती है उसके लिए हमारे बैंकिंग पार्टनर से ICICI हम उसके थ्रू एजुकेशन लोन भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो जो एजुकेशन लोन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पे आफ्टर प्लेसमेंट वो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि एजुकेशन लोन की फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैंकिंग पार्टनर से ICICI उनके थ्रू। बच्चे को जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने के बाद लोन प्रोवाइड होता है। बच्चे को कुछ पे नहीं करना है, वो अपनी प्रोसेस जो चल रही है 4 महीने की ट्रेनिंग यहाँ करेगा, 6 महीने की ट्रेनिंग कंपनी में करेगा। उसके बाद जो हमने पैकेज उसको बताया है 4.5 लाख 6 लाख 8 लाख जो भी अलग अलग कंपनियों का वेरी करता है उस पैकेज पे मिनिमम उसको रखा जाता है। हो सकता है इससे ऊपर भी उसको रखा जाए जब 6 महीने की ट्रेनिंग उस कंपनी में वो करता है उसका परफॉर्मेंस जो देखा जाता है उस बेसिस पे हो सकता है कि कंपनी उसको उससे ऊपर भी रखे, उससे नीचे उसको लेकर के नहीं आएगी। जो अगर वो अच्छा काम करता है अच्छे अपने रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कंपनी के अंदर तो कंपनी उसको आगे प्रमोट भी करती है। बिल्कुल। और पैकेज भी उसके जो है जो भी उसकी हाइक होती है उसी हिसाब से उसको प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल, ये एक उसको एक एडवांटेज मिलता है अपना परफॉर्मेंस वो जैसा रखता है उस बेसिस पे उसको और आगे उसका भी एडवांटेज मिलता है। तो इसके अंदर जब वो अपना कंपनी में 10 महीने के बाद में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ले लेता है उसके बाद भी उसको 2 से 3 महीने का टाइम और मिलता है तब जाकर के फिर उसकी EMI स्टार्ट होती है अपनी लोन पे कर। यूनिवर्सिटीज हो गए कॉलेज हो गए बट ऐसे इंस्टीट्यूट में भी लोन के थ्रू आप एजुकेशन पा सकते हैं, ये मेरे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। नहीं बिल्कुल, इसीलिए आपके थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचती है इंस्टीट्यूट तक पहुंचती है हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अमित जी से जो है यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट। मैं पेडेस्टल टेक्नो वर्ल्ड में एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। ओके। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। हमारा काम होता है डेटा के साथ खेलना, जितने भी डेटा कलेक्ट हो सकते हैं बिग डेटा हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसमें से मीनिंगफुल डेटा को रखते हैं और बाकी को वॉश आउट कर देते हैं। तो एज एक कंपनी में हमारा काम होता है कि कंपनी को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट दोनों की जॉब रोल बहुत ज़्यादा डिमांड में है अभी। तो आप इसको एज ए करियर कैसे अपना सकते हैं तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो एक बेसिक स्टेप्स है इसका बनने के लिए वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। हम यहाँ पे बेसिक और एडवांस 2 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, जो कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स बनने में एक बेस रोल निभाते हैं। आपको अगर पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप इन करियर को परस्यू नहीं कर सकते। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है आपका पाइथन को सीखना।
हमारे यहाँ पे इसके दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो बेसिक है और एक एडवांस वर्जन है। बेसिक में हम आपको इसका जो ओवरव्यू है, करियर ओवरव्यू है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीजें बताते हैं। ये 3 महीने का होता है बेसिकली, बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, बिल्कुल 3 महीने में आपको ग्रूम करते हैं पाइथन के लिए कि आप पाइथन को एज ए करियर कैसे अपना सकते हैं। और सिर्फ डेटा एनालिटिक्स नहीं, पाइथन तो वाइड स्प्रेड एडवांस लैंग्वेज है, तो सिर्फ वेब डेटा एनालिस्ट नहीं, आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। तो करियर की असीमित संभावना है पाइथन सीखने के बाद। और फिर अगर आप उसके एडवांस वर्जन में जाते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में पाइथन में क्या एक्चुअल में वर्क होता है वो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। वर्क कल्चर क्या होता है पाइथन को सीखने के बाद, हम आपको इंडस्ट्री रेडी करेंगे इन सर्टिफिकेशन के थ्रू। तो हमारा बेसिक एम पेडेस्टल में यही है कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कॉर्पोरेट के लिए रेडी करना है। आप यहाँ से सर्टिफिकेट करने के बाद सीधा कंपनी में जाके जॉब रेडी हो, बिल्कुल ये हमारा प्रोमिनेंट फीचर है। जितने भी सर्टिफिकेशन है उन सब में सिर्फ हमको ट्रेनिंग देनी होती तो हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, बाकी अदर्स कंपनी करती हैं जैसा, लेकिन हमारा ये एम नहीं है। हमारा एम है कंपनी और स्टूडेंट के बीच में जो गैप है उसको फिल करना है, ब्रिज, बिल्कुल हम एक ब्रिज, पेडेस्टल टेक्नोवर्ड एक ब्रिज है जो स्टूडेंट को और कॉर्पोरेट को मिलाता है और वो वहां पर एफिशिएंटली काम कर सके कॉर्पोरेट सेक्टर में। हमारा मेन एम यही रहता है। अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, बिल्कुल। यूवी कौशिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, माय नेम इज यूवी कौशिक। थैंक यू सर। सर अभी मैं पेडेस्टल में आया था तो सबसे पहले तो एमडी मैम से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप टेक्निकल हेड हैं, तो बताइए सर इस कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? ठीक है, मैं सीटीओ हूं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। कंपनी की टेक्नोलॉजी विंग के अंदर जो भी कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, ओके, फ्रॉम स्क्रैच टू द फिनिश लेवल, ओके, वो सारे सब कुछ मैं ही देखता हूं। इट मीन्स कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी के नाम पर अगर कोई एम्प्लॉय कोई भी टास्क कर रहा है, कंपनी कोई नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स कर रही है या कंपनी टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, दे ऑल गोज अंडर मी। मतलब कुल मिला के जो अपन सामान्य भाषा में अगर बात करें तो कंपनी का जो अपडेशन वाला जो काम है वो सारा आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अपडेट होता है वो आपसे ही के थ्रू ही वो चीज फुल एंड फाइनल जो है फुल एंड फाइनल वो मेरे आपके थ्रू होता है। ओके सर, ये तो टेक्निकल की अपन बातों को छोटा शब्द हो गया, इसको थोड़ा सा लेंथी ब्रीफ कर सकते हैं आप? थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि हां टेक्निकल कोई एक छोटी टर्म तो है नहीं, बहुत बड़ा टर्म है। राइट, देखिए इट्स एन ओशन, एक समुंदर की तरह है टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे समुंदर में आप जाते हैं तो समुंदर में आप ओशन में कितनी गहराई में जाएंगे, कितना लंबा जाएंगे, इट्स लाइक दैट। हमारी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पेडेस्टल टेक्नोवर्ल्ड एक एडटेक कंपनी है। एडटेक कंपनी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे डिलीवर कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ओके, अब उसको डिलीवर करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी चलेगी, क्या क्या टेक्नोलॉजी में स्किल डेवलप करवाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग, मैं और मेरा डिपार्टमेंट देखते हैं। आपका डिपार्टमेंट देखते हैं? जैसे अभी देखिए आप, पहले एजुकेशन का एक दौर था जब ब्लैक बोर्ड होते थे और व्हाइट चॉक होते थे। हाँ, आजकल डिजिटल हो गया सब। फिर एक बोर्ड आया, व्हाइट बोर्ड होने लगे, ब्लैक मार्कर होने लगे। आज से पहले या कुछ टाइम पहले जब टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी ने लाइफ को कंफर्टेबल बनाया, उससे पहले उस बच्चे को जयपुर आना पड़ता था सीखने के लिए, जहाँ या गुड़गांव जाना पड़ता था या बैंगलोर जाना पड़ता था। आजकल सब वर्चुअल हो गया। अब सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, बिल्कुल। आफ्टर कोविड अगर आप देखेंगे तो इंडिया में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI जिसकी आप बात कर, बिल्कुल, वो आपका 3,500 गुना से ज्यादा बढ़ गया। आज आप देखे एक यूट्यूब पे लोग वीडियो बना के डालते हैं और मिलियंस कमाते हैं, या इंस्टाग्राम पे हाउस वाइफ को आपने देखा होगा रेगुलर रील्स बनाते हैं और किसी ब्रांड के इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, जैसे हम ब्लॉग्स बना रहे हैं। हाँ, ब्लॉग्स भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, बिल्कुल। तो सब कुछ टेक्नोलॉजी डिफाइंड हो रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से ड्राइव हो रहा है। एक जमाना था जब लोगों को लगा था कि कंप्यूटर आएंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, या मोबाइल फोन आएंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। आज वो रियली बदल रहा है या बदल चुका है, वैसे मानिए बहुत कुछ चेंज हो गया। अब आज हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी की बात करें, आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं,
लेकिन मेजर एडवांसमेंट की हम बात करें तो हम AI करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को सिखा रहे हैं, मशीन लर्निंग बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्यों प्रैक्टिकली विद टूल्स, क्या सॉफ्टवेयर उसको सीखने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए वो भी हम बता रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर कैसे कोड हो रहा है, उसके पीछे क्या प्रोग्राम लिखा जा रहा है, वो कोडिंग भी हम बता रहे हैं। ओके, तो इससे एक चीज़ मैं बीच में जो अभी अपनी बात जो बीच में चल रही है इसी से रिलेटेड एक चीज़ मेरा सवाल होगा, आपने AI और ML जो दोनों ही सिमिलर शब्द हैं, ML का आप थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए ML है मशीन लर्निंग और AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, मशीन लर्निंग क्या चीज़ है सर? मैं आपको उसी टॉपिक पर लेके आ रहा हूँ कि देखिए जैसे हमारी कंपनी बहुत सारे प्रोसेस करवाती है एक एग्जाम्पल के लिए कि हमने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन किए, पाइथन किया या डेटा साइंस किया या साइबर सिक्योरिटी किया, डिजिटल मार्केटिंग हम करवा रहे हैं, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम करवा रहे हैं, तो ये कोर्स अगर मैं बोलूँ कि हमारे यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक वाइड इंडस्ट्री हो गई और उसमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या इसको हम दूसरे और साधारण शब्दों में लेके जाएं बिल्कुल एक लैंग्वेज वाली लैंग्वेज में, तो जब हम बात करेंगे AI पूरा बड़ा एक बड़ा सर्कल है, पूरा एक बड़ा फिगर है, जैसे मैंने कहा फूड, ऐसे एक बड़ा पूरा सर्कल है बिल्कुल। अब वहां मैंने कहा एप्पल एक पार्ट हो गया। ओके, तो मशीन लर्निंग एक विंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा अगर आपको मशीन लर्निंग को समझना है तो। पहले कौशिक जी, टेक्नोलॉजी आज इतना इजी हो गया है कि इसमें आर्ट बैकग्राउंड होना या नहीं होना मैटर नहीं करता है, आपके अंदर जील होना मैटर करता है। अगर आप में जील है तो रिसेंटली मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे एडटेक इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिक्स क्लास में बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और सिक्स क्लास के बच्चे सीख तो रहे हैं, आपके यही राजस्थान और हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नाइन्थ क्लास में पढ़ते हुए ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी में, जिसका नाम आजकल बदल के एक्स हो गया ट्विटर का, तो उसपे उन लोगों ने एक बग ढूंढा। बग किसी सॉफ्टवेयर में होने वाली प्रॉब्लम को कहा जाता है, जो उसमें कोई बग ढूंढा और उस बग को जब उन्होंने कंपनी को बताया तो कंपनी ने उनको रिवॉर्ड दिया लगभग 2 करोड़ रुपए। रिवॉर्ड मनी, तो उसने तो कोई बीटेक नहीं किया था बच्चे ने। या आपके राजस्थान के एक टीचर है जो मोदी 1.0 गवर्नमेंट में उनको अवार्ड मिला है, क्यों? okay. क्योंकि उन्होंने पढ़ने के लिए बच्चों के लिए एप्लीकेशन बनाया, वो संस्कृत के टीचर हैं, तो उससे इसका कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं, आपने पूछा मेरे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ऐसे समझिए कि हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमता। आज आपके पास और मेरे पास हिंदी में क्या? कृत्रिम बुद्धिमता। ओके, कृत्रिम बुद्धिमता, राइट। आज आपके पास और मेरे पास जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, जो ब्रेन है, वो नेचुरल है। okay. आप और मैं डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन करना है, क्या नहीं लेना है। okay. मशीन खुद से अपने दिमाग से, मशीन खुद डिसीजन ले पाए, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज ये आईपैड, okay. ये आईपैड अगर ऑटोमेटिक डिसीजन ले कि मुझे कब चलना है, कब बंद होना है और क्या करना है, तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। जैसे मैं YouTube बहुत देखता हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मैं YouTube पे तो वेस्टेड टाइम वेस्ट करता ही हूँ अपना, या टाइम यूटिलाइज करता है अपन, right. दोनों ही चीजें अपन बोल सकते हैं, क्योंकि जो रील्स देखते हैं वो वेस्ट करते हैं, जो उसको यूज करता है वो इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल। तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी इसके अंदर कि एक चिप है जो कहानी लिखती है, हाउ इज दिस पॉसिबल? रियली ये तो एक इमेजिनेशन हो गया ना। कहानी लिखने का मतलब क्या हुआ कि आप सोच रहे हो, आप एक करेक्टर में एक जीवन डाल रहे हो, उसको सांसें दे रहे हो, उसका एक एंटी करेक्टर भी आप जनरेट कर रहे हो, जिसको अपन पैदा करना बोल सकते हैं। आप दो अलग अलग किस्में, दो अलग किस्म की चीज़ें पैदा करते हो, फिर दोनों में क्लैश होता है, दोनों में क्या बोलते हैं, संबंध बनते हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं, और एक फाइनली ये कि एंड ऑफ द स्टोरी जो है वो एक रिजल्ट ला के प्रोड्यूस करती है। तो मैंने ये पढ़ा है या मैंने YouTube पे ये देखा है कि मशीन भी वैसा करने लग गई है। हाँ, आपने ड्राइवरलेस कार्स के बारे में सुना या देखा होगा? हाँ, अभी रिसेंटली US में एक ड्राइवरलेस कार लॉन्च हुई है। okay. वो कैसे काम कर रही है? तो
धीरे धीरे हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हमने चिप्स तो बनाए, माइक्रो प्रोसेसर जिनको हम कहते हैं प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, फिर उसके बाद हमने VLSI और UL SI पे आ गए हम लोग, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, एक ऐसी चिप जिसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आप फिक्स कर देते हैं छोटी सी चिप पे, और वो सारे कंपोनेंट एक्टिव मोड में उन सारों को, उनको क्या काम करना है इसके लिए डिवाइस प्रोग्राम किया जाता है। ओके, उस प्रोग्राम में ये लिखा होता है कि आपका कौन सा पिन क्या सिग्नल लेगा, क्या सिग्नल देगा और कैसे काम करेगा, उस डिवाइस की एक मेमोरी बन जाती है। हम उसको और आगे बढ़ाए, और ज्यादा रिसर्च हुई दुनिया में, बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो इंजीनियर्स हैं लाइक मी, उन लोगों ने रिसर्च को कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे उन्होंने नए इन्वेंशन स्टार्ट किए और मशीन लर्निंग पे आए। इसकी शुरुआत सबसे पहले सॉफ्टवेयर की दुनिया से हुई, सॉफ्टवेयर राइट, किसी भी मशीन MS का अपन बात करें जैसे माइक्रोसॉफ्ट से ही, सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हुआ है जिसमें आप कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स की बात करें, उसका MS से कोई लिंक नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट से कोई लिंक नहीं है, नहीं नहीं ओके, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है, वह भी एक सॉफ्टवेयर है, तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जब बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो सबसे ज्यादा AI के जो इन्वेंशन या जो पहले फर्स्ट फेज के जो डेवलपमेंट्स हुए वो हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ में डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ में सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया जाता है, तब मशीन सोचने और समझने की क्षमता प्राप्त करने लगती है। मशीन लर्निंग के AI से इसका मशीन लर्निंग एक हिस्सा है AI पे, AI का तो मशीन लर्निंग के ये बेसिक्स हैं। जैसे जैसे मशीन लर्न करती है, मशीन लर्न करती है यूजर बिहेवियर से। जनरली आप देखते होंगे कि आप कुछ सर्च करेंगे गूगल क्रोम में, तो आपको इंस्टा पे भी वही चीज दिखाने लग जाएगा, आपके फेसबुक पे भी वही चीज लगाने लग जाएगा, सब जगह आपको वही दिखा। तो आप जनरली बात करो, आपके माइक्रोफोन का डेटा AI टूल्स के थ्रू, AI एल्गोरिथम्स के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं और उसी से रिलेवेंट रिकमेंडेशन आपको 2-3 घंटे बाद आपके आपके फोन में, ब्राउजर में, मेटा पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह उसके रिकमेंडेशन आने लग जाएंगे। इवन ये तक बता देंगे कि आपको कौन सा पिज्जा खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। ओके, क्योंकि आपकी मशीन आपके बिहेवियर को स्टडी कर रही है, लर्न कर रही है। अब जब वो स्टडी करेगी तो वह डेटा कहाँ स्टोर होगा, क्लाउड पे या सर्वर पे, कहीं एक जगह वो डेटा स्टोर हो रहा है बिल्कुल, या मशीन की मेमोरी में कहीं वो जगह पे स्टोर हो रहा है। फिर कहाँ वो स्टार्ट होता है, डेटा साइंटिस्ट का। ओके, डेटा साइंटिस्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज आपका बैंक पूरा ऑटोमेटेड मोड पे आ गया बिल्कुल, आज आपके बैंक में जब आप फोटो खिंचवाते हैं या अकाउंट ओपन करते हैं तो पहले आप पेन पेपर से फॉर्म भरते थे, एक फोटो लगाते थे, स्टैंप लगाते थे, फिर देते थे। आजकल बैंक वाले आते हैं आपके पास एक टैब लेके आते हैं, आपका आधार कार्ड या कोई भी एक आपका ID लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं आपके मोबाइल नंबर से, उसके बाद आपका थंब इंप्रेशन लेते हैं, आपका फोटो लेते हैं, फोटो में बोलते हैं आई स्लिंग करिए, क्यों, क्योंकि वो ताकि मशीन ये समझ सके, आपकी कैमरे में आई ब्लिंक होते ही मशीन ये समझ पाती है कि द पिक्चर इज अ लाइव मैन, ओके, जिसकी ये फोटो है ये जिंदा आदमी है, या ये किसी पेंटिंग या फोटो की फोटो नहीं ली जा रही है। तो जैसे आप आई ब्लिंक करते हैं वहां एक मूवमेंट रिकॉर्ड, मेरे जैसे सोचता है कि वो इसलिए ब्लिंक करवाता है ताकि उसको रीड हो जाए, बट इसका मतलब कुछ हो रही है, जो मुझे आज पता लगा आप अलाइव हो, हाँ इसका मुझे अलाइव का आज पता लगा, मैं सोचता था कि वो उसमें सेंसर है जो रीड करता है, बट ऐसा नहीं है, वो अलाइव का काम करता है। आप है दुनिया में, आपके फोटो की फोटो नहीं खींची जा रही है, या आपका कोई भूत बना करके उसकी फोटो नहीं खींची जा रही है ताकि चीटिंग नहीं की जा सके, टेम्पराइजेशन नहीं किया जा सके। आपने देखा होगा जो हाईवेज पे जो कैमराज लगे होते हैं वो ऑटो डिटेक्ट करते हैं कार के नंबर को, स्पीड, पूरे कार का फोटो नहीं लेंगे, आपके कार का नंबर और उस कार की स्पीड को डिटेक्ट कर लेंगे। कैसे कर पा रहे हैं, दे आर AI इनेबल्ड कैमराज। ओके, या आपने कभी ये देखा था कि पहले .com.in.co.in xyz.com.com.in है ना, आजकल .ai आने लगे। अच्छा, ये मेरे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। ये जो .ai होता है, जो TLD होता है, जो .com.in.co.in, इसको TLD बोलते हैं, इसको चार्ज किया जाता है सर्वर साइड, इसमें AI चार्ज किया।
आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर haptic.ai का नाम सुना है, haptic.ai, हाँ बिल्कुल सुना है, haptic.ai जियो का एक AI बॉट है, हाँ जो चैट बॉट है, बिल्कुल। पहले जियो ने तमाम जॉब्स दी जहाँ लोग बैठते थे कस्टमर सपोर्ट पे, व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेक्शन करते थे, किसी की समस्या होती थी तो समाधान करते थे। अभी उन्होंने एक बॉट लगा दिया, जी haptic.ai है, ये बॉट है, ये सॉफ्टवेयर है, haptic.ai बेस्ड है। अब उनके कस्टमर को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सॉफ्टवेयर यस कनेक्ट कर देता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मैंने बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन आज आपसे जो है मिलकर मुझे प्राप्त हुई है, और जो मेरे व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ से ट्रेन होते हैं, उनको जो है चाहे वो डेटा एनालिस्ट स्टूडेंट की अपन बात कर लें, चाहे AI की बात कर लें, चाहे अपन ML की बात कर लें, चाहे मेटा सर्विसेज में जो कोर्सेज यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, उनसे वो सारे कोर्सेज सर्टिफाइड होते हैं। सर कौन से इंस्टीट्यूट से ये सर्टिफाइड है? पेडेस्टल टेक्नोवर्ल्ड हमारा मेटा सर्टिफाइड है, हम खुद मेटा पार्टनर है, गूगल प्रीमियर हम पार्टनर है, HSTC से हमारे सारे कोर्स कंटेंट सर्टिफाइड है। ओके सर, जो स्टूडेंट आपके यहाँ से जो सर्टिफिकेशन लेके जाते हैं, तो वो जो सर्टिफिकेशन के बाद में जॉब की बात आती है, तो क्या आपने यहाँ पे जॉब भी जो प्लेसमेंट की अगर हमारे प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम्स भी हैं हमारे यहाँ, जो बच्चा आता है उसको हर किसी भी तरह का कोर्स करने पर 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस तो हम दे रहे हैं, साथ में ही हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम्स भी है जो हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके चलाते हैं। जैसे किसी इंडस्ट्री को 10-20 लोग चाहिए, 50 लोगों की कोई मैन पावर वर्कफोर्स चाहिए, तो वो उतने ही तैयार करके देते हैं। तो फाइनली यही बोलना चाहूंगा कि पढ़ने के बाद में नौकरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, नौकरी भी आप जो है प्रोवाइड करवाते हैं। करेक्ट सर, फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, दोस्तों देखिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, पूरी दुनिया में कठिन कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस से हर चीज की राह आसान हो जाती है। नॉलेज इज पावर सुप्रीम, नॉलेज ब्रिंग्स यू गिव्स यू द रियल फ्रीडम। तो आपको पढ़ते रहना चाहिए, नॉलेज लेते रहना चाहिए, नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती है, नॉलेज लेने के लिए कोई बैरियर नहीं होता है, यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करता है, आपके अंदर एक झील होनी चाहिए। अगर आपको रियली ग्रो करना है तो आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप ट्रू सक्सेस पा सकते हैं, रियल इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस केयरफुली, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गिव द डबल लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू यूवी कौशिक चैनल, एंड बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम ऑफ यूवी कौशिक and entire team channel. Thank you.